हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लोकल लाइव ब्लॉग में। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा आइडिया शेयर कर रही हूं जिसे आप देखने के बाद बस यही बोलोगे कि यार, ये आइडिया हमें पहले से क्यों नहीं मिला। अगर पहले से मिल जाता तो हमारे जो ढेर सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं फालतू की चीज़ों में, वो हमारे पैसे बर्बाद नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज का आइडिया। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप सभी ने देख लिया, मैंने ली है यहाँ पे पेप्सी, फ्रूटी या माजा, कुछ भी बोल लीजिए, प्लास्टिक की एक बोतल। तो इस तरह की कोई भी बोतल आप ले सकते हैं इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए। और ये बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के तैयार होगा। और किस लिए है ये? उस चीज़ को रखने के लिए हम लोग बना रहे हैं जिससे हमें होता है बहुत ज़्यादा प्यार। और वो चीज़ क्या है आगे वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना खिसकाए। तो चलिए देख लेते हैं एक एक चीज़। तो यहाँ पे ली है मैंने 2 लीटर वाली बोतल, और ये ग्रीन कलर की है, आप चाहें तो वाइट कलर की जो होती है उसको भी ले सकते हैं। और मैंने लिया है जो हम सभी के घर में होता है सिल्वर पेपर वाला, सिल्वर पेपर जो आता है हमारे घर में, ये उसी में रोल सा निकलता है। एक जब सिल्वर पेपर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये डंडा सा ही रह जाता है, तो ये मैंने लिया है। और इसको मैंने फेंका नहीं है, कम से कम 3 से 4 मेरे पास ये इकट्ठे पड़े हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देख के मुझे लगता है कि भाई इस चीज़ से कुछ ना कुछ बन सकता है, तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, मैं उसे साइड में रख देती हूँ। और वो चीज़ें कभी ना कभी मेरे काम आ ही जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे फेविकॉल से जो हमारा सिल्वर फॉल का जो डंडा था उसको हमने चिपका लिया इस तरीके से, और बोतल को भी हमने कट कर लिया है। और बोतल का जो ढक्कन है उसमें बना लिया मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन, आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो वैसे तो ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन इस सुंदर को थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए हम इस पे करेंगे कलर। कलर देखिए आप अपने मन चाहे कलर को आप कर सकते हैं इस पे, जो भी आपका मन करे, रेड, पीला, लीला, लाल, गुलाबी, जो भी आप करना चाहें वो सब कर सकते हैं। लेकिन ये बोतल हरी है तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा हरा कलर ही कर रही हूँ, यानी कि ग्रीन कलर का कर रही हूँ इस पे कलर में, क्योंकि इस पे ज़्यादा कलर नहीं लगेगा। अगर मैं दूसरा कलर करूँगी तो इसे पहले मुझे वाइट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं अपना मनचाहा कलर इस पे कर पाऊँगी। तो इससे अच्छा है, इससे कलर भी कम लगेगा, ग्रीन कलर की बोतल है और ग्रीन ही मैंने इस पे कलर कर दिया है। तो थोड़ा सा जगह हम इसमें छोड़ेंगे, सारे पे कलर नहीं करेंगे, थोड़ी साइड में से छोड़ेंगे। और देखिए उसके ढक्कन को कर लिया है मैंने येल्लो कलर, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि यार मैं क्या बना रही हूँ, बस देखते जाइए। ऐसी एक धमाकेदार चीज़ आज हम बनाएंगे जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो चलिए दोस्तों एक ऑर्गेनाइज़र हमारा बनके हो गया तैयार, अब हम बनाएंगे दूसरा। तो दूसरे के लिए देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले जो सिल्वर फॉल होते हैं ना हमारे पास जिसमें हम खाना वगैरह पैक करते हैं, तो ये वही है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे चिपका लिया इस डंडे पर, और ये जो हमने पहले डंडा लिया था उसी तरह का एक डंडा है सिल्वर फॉल वाला। तो देखिए ये इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे अच्छी तरीके से, फेविकॉल लगा के चिपका देंगे सिल्वर पेपर को। और ये मैंने एक लिया है डब्बा, आपके भी घर में इस तरह के दही वाले या मैगी वाले डब्बे आते ही होंगे, तो उसको आज के बाद आप फेंकेंगे नहीं, इस तरीके से कुछ ना कुछ उसका ज़रूर बनाएंगे। तो फेविकॉल से मैंने रोल को चिपका दिया है इसमें, अब ये थोड़ा सा हवा लग के सूख जाएगा फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखिए थोड़ा सा कलर हमने जो किया था ये कलर भी थोड़ा सा सूख गया है, तो इसको भी हम थोड़ा सा साइड में रख दें, थोड़ा और सूखेगा और हम बनाएंगे अब तीसरा ऑर्गेनाइज़र। तो तीसरा ऑर्गेनाइज़र भी बहुत ही धमाकेदार है, बहुत जानदार है, देखते रहिए बस आप। आप एक से बढ़कर एक ऑर्गेनाइज़र इस वीडियो में देखने वाले हो दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी बोतल को भी कट कर लिया है कैंची से, चाकू से, वो आपके ऊपर है आप किस चीज़ से काट पाते हैं बोतल को। तो आप चाहें तो इस बोतल पे भी आप कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बोतल पे कलर नहीं करूँगी, इसे सिंपली ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि जिस काम में हम इस बोतल को लेने वाले हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। और देखिए फिर से मैंने एक और तीसरा रोल लिया है और इस पर ढक्कन पर मैंने चिपका दिया है,
तो इसको भी थोड़ी सी हवा लगने देंगे ताकि फेविकॉल अच्छी तरीके से सूख जाए। अगर आप फेविकॉल से नहीं चिपका पाते हैं तो आप फेविक्विक ले सकते हैं, उससे भी आसानी से चिपक जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैं स्टैंड बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं चूड़ियों के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लेडीज़ों के पास में धीरे धीरे करके ढेर सारी चूड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और एक से बढ़कर एक चूड़ी हमारे पास होती है, और फिर हम सोचते हैं यार डब्बे कम पड़ गए हैं, जो हम चूड़ियों के लिए बॉक्स लाए थे वो भी अब कम पड़ गए हैं, तो अब चूड़ियों को कहाँ पर रखें, और हम उनको ऐसी किसी जगह पर रख देते हैं और उन पर पड़े पड़े धूल जम जाती है। तो इससे अच्छा है कि ये आप इस तरह के स्टैंड बनाइए और अपने चूड़ियों को संभाल के रखिए। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली यहाँ पे मैंने निकाल ली हैं चूड़ियाँ जिनके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। तो देखिए बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं हम जब चूड़ियों को रखने के लिए सुंदर से सुंदर डिब्बे लेके आते हैं। क्या होता है, चाहे हम जितने सुंदर डिब्बे लेके आ जाएं लेकिन वो कबर्ड के अंदर अलमारी के अंदर रख जाते हैं, उन्हें कोई नहीं देखता। आप फालतू में पैसे बर्बाद करते हैं, आज के बाद आप पैसे बर्बाद मत करना। इस तरीके से सिंपली आप घर में चूड़ियों के लिए ऑर्गेनाइज़र स्टैंड बना सकते हैं। आप कुछ भी बोल लीजिए इसको, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक डब्बे की चूड़ी इसमें भर दी है, और देखिए कितने अभी भी इसमें जगह बाकी है, यानी कि जितनी चूड़ियां हैं उसके आधी चूड़ियां अभी इसमें और भी आ जाएंगी। तो देखिए देखने में इतनी सुंदर लग रही है, और देखिए अभी बोतल के अंदर जब मैं रखूँगी तो ये कितनी ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसका ढक्कन लगा के। तो ये देखिए, तो देखने में सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताइए पहले तो। और कितना कमाल का ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बना है, बहुत ही शानदार जानदार आइडिया है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और बोतल देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, आप इसको बाहर भी रख सकते हैं और कोई सोच नहीं पाएगा कि इसमें अंदर आपने चूड़ियाँ रख रखी हैं। एक शो पीस की तरह भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे लिया है अपना चूड़ा, ये एक चूड़ा है मेरे पास, और ये कम से कम 2 से 3 साल से इसी डब्बे में रखा है, इसका डब्बा चेंज नहीं हुआ है और ना ही मैंने चेंज किया है। तो देखिए अब हम चूड़े को निकालेंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने स्टैंड तैयार किया है चूड़ियों के लिए। तो ये देखिए, और आराम से चलेगा। अभी ये थोड़ा सा गीला है इसलिए थोड़ा सा ये जो हमने रोल लगाया ना ये हिला है। अगर ये आप प्रॉपर इसको सुखा लेंगे तो ये बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाला, और जहाँ भी आप इसको रखेंगे वहीं पे ये रखा रहेगा। तो चलिए दोस्तों आपने 2 स्टैंड देख लिए कि चूड़ियों को हमने किस तरीके से रखा है, और अब मैं आप लोगों को तीसरा वाला दिखाती हूँ। तीसरा वाला स्टैंड भी बहुत ज़्यादा जानदार है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको, पूरी चूड़ियाँ जितनी भी मुझे डालनी है मैंने डालनी है इसमें इस तरीके से। अब मैं इसमें डाल दूँगी कंगन, आप कंगन भी इसमें रख सकते हैं, चूड़ियाँ रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें वो चीज़ आप इस पर स्टैंड पर रख सकते हैं। तो देखिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका ढक्कन हमें किस तरीके से लगाना है। तो देखिए ये ऊपर से हम लगा देंगे इसका ढक्कन, और आप इसको सीधा करके इस तरीके से रख दीजिए। तो ये देखिए, आप इसको अगर कहीं बाहर भी रख देंगे ना तो भी सब देख के आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया। और इस तरीके स्टैंड आप बनाइए और अपना ढेर सारा पैसा बचाइए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि तीनों ही स्टैंड, तीनों ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर ताकि मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो सके और मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई है, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे आइडिया, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र या फिर अच्छे अच्छे स्टैंड लाती रहूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तीनों में से कौन सा स्टैंड आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया।